पाई भुवनेश्वर बंगोपसागर अवपात रूप नहीं सुदृश्य लघुचाप आज संध्या सुधा गभीर अवपात रूप नहीं पारे। आज भी ट्विन सिटी को वर्षा नहीं अलर्ट कर कटक और भुवनेश्वर में प्रबल वर्षार संभावना रही। अपराह दुईटा जाए लग रही पारे वर्षा तुहाकु तुहा वर्षा सह घड़घड़ी सतर्कता भी जारी करा। पाणिपाग विभाग वर्षा पाई सतर्क कराई विशेषकर 13 जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करा। आज 23 जिले में प्रबल वर्षा नहीं पाणिपाग केन्द्र पूर्वानुमान करी। जमी भाव में गतकाल स्थिति नजर को आसी 2 रु 3 घंटार लगातार वर्षा रे प्रबल वर्षा रे जमी भाव में जलार्णव हो जाता विभिन्न अंचल रास्ता उपरे आंठुए अंटाए उपरे पानी रे लोकमाने हंतसंत होइतिले गाड़ी मोटर भी अटकी रही। आज जहां सूचना आसी सुदृश्य लघुचाप अवपात रे परिणत हो सारी एवं आगामी 24 घंटा भितर गभीर अवपात रे परिणत होबा नै कि मध्य आकलन करा जाउछि। आज संध्या सुधा गभीर अवपात रे रूप नै पारे ताकु नै वर्तमान अलर्ट करा जाइछि विभिन्न अंचल को विशेषकर ट्विन सिटी रे प्रबल वर्षा नै अलर्ट करा जाइछि। दिन 2टा पर्यंत एमिति वर्षा नजर को आसी पारे बोली पाणिपाग विभाग सतर्क करै दैछि। ताकु भी आम प्रोसीजर हिसाब से हैंडल वर्तमान। सेकंड इश्यू बहुत जगह मान अपन देखु प्लान जिते बड़े सैंक्शन होती बहुत लोग बेसमेंट रे पार्किंग रखुंट बट बहुत जगार एवं बेसमेंट को घर तैयारी कर भाड़ा दे देती तो खाली खाले एरिया रे जो पानी भर्ती हो गला घर भितर बहुत जगह एमती अवस्था कि रेन्ट रे जो लोग रोचा बहुत असुविधा है घर में पानी फसला कि जो एक्चुअली एरिया डेडिकेटेड फॉर पार्किंग बट घर मालिक ताको कन्वर्ट करके कमर्शियल यूज पाई दिया लगेला तो से कि मानते ऑब्जर्वेशन मो आपन को कहूँ तो ऑलरेडी प्लानिंग सेक्शन तरफ रू मध्य या जोठी रेक्टिफिकेशन दरकार मॉडिफिकेशन दरकार सिटीजन मान को समय दिया जदि पार्किंग एरिया अच्छी बेसमेंट एरिया इट शुड बी वैकेटेड एज पर प्लान सो दैट ए भाया सिचुएशन पाई जो डैमेज से कम हो मैंने इट इज अगेन सब टाइप काम करके ए भाया आपदार केमी आम मुकाबला करें तो खाली ड्रेन के लिए हे ना आम घर प्लानिंग टी बुझा पड़े ड्रेन प्रॉपर डिस्चार्ज पॉइंट भी आमको प्रॉपर ये से लैंड एक्विजिशन तो ये सब एक स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन आम आगामी दिन में काम कर। बंगोपसागर में सक्रिय रही लघुचाप क्षेत्र चलित मौसुमी ऋतुर आम जदि देखा प्रथम अवपात क्षेत्र परिणत होई जहां आज संध्या सुधा गभीर अवपात रे परिणत हेबो बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु स्पष्ट करिछि। तारी प्रभाव में गत काली जेउभली भाव में वर्षा आम उपकूल ओडिसा रे देखिले आज रहिब कि सेभली वर्षा कोन रहिछि वर्तमान अवपात स्थिति केउठी रहिछि एहा केउ दिग देई गति करिवो एवं जेतेबेले गति करिवो एहा केउ केउ जिल्ला रे अधिक प्रभाव पकेबो सेनि आम कथा हबा आम सहित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र ड्यूटी ऑफिसर लक्ष्मीकांत आमे जदि प्रथमे पचारिबा काली जेउभली वर्षा हला चलित मौसुमी ऋतुर बोधुए भुवनेश्वर रे सबुठारु अधिक वर्षा हिची 258 मिलीमीटर वर्षा आमे जदि कहिबा हिची वर्तमान अवपात स्थिति केउठी रहिची वर्तमान अवस्था कोन रहिची एवं केउ दिग दिया गति करिबा। वर्षा तो आपन कहले वर्षा हिची 259.2 मिलीमीटर भुवनेश्वर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। अच्छा वर्तमान जदि आमे जो वेलमार लो प्रेशरटा थिला सेटा आजि सकाळे 5:30 रे सेटा डिप्रेशन रे परिणत हो जायछि एवं सेटा नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल रे रहिछ सेटा नॉर्थ वेस्टली मूवमेंट करूछि एवं आज संध्या 5:30 सुधा इंटेंसिफाई कि डीप डिप्रेशन होबार खेपुपरारे कि सेटा क्रॉस करिवार संभावना रहूछि। या द्वारा आमे आज मध्य 13टा डिस्ट्रिक्ट पई ओडिसा रे ऑरेंज वार्निंग इशू करिछु। से डिस्ट्रिक्ट गुडी को हमर होउछि आमर कटक जाजपुर भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुर ढेंकानाल अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ संबलपुर सोनपुर एवं बौद्ध। तो सर ए जो ऑरेंज अलर्ट जो गुड़ी करे दिया जाए केते वर्षा हबार संभावना रही आम गत काली भली वर्षा पुणे आज देखा कि कारण जिते धीरे धीरे घनीभूत हो लघुचाप क्षेत्र तार प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़िवार संभावना ऑरेंज वार्निंग मान हूँ हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल मान पाखापाखि 21 किंतु भुवनेश्वर हुए तो आज गत काली भाई सिचुएशन होवार चांस नहीं तथापि तो वर्षा जारी रहिबो एवं विशेषकर नॉर्थ
नॉर्थ ओडिशा रे डिस्ट्रिक्ट गुड़ बहुत गुड़े प्रभाव डिस्ट्रिक्ट का प्रभाव संभावना रही सर। आज उपकूल ओडिशा रे हम जदि विशेष कर देखिबा केउ केउ जिल्ला गुड़ी को अधिक वर्षा होबार संभावना रही येलो अलर्ट केउ केउ जिल्ला गुड़ी को वार्निंग करा गेल। हां कहली आप नॉर्थ ओडिशा रहिला ऑरेंज वार्निंग ता तळ को जो गुड़ा रहिला केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खुर्धा नयागढ़ कंधमाल बलांगीर बरगढ़ नुआपड़ा कलाहांडी एगुड़ा येलो वार्निंग इश्यू करचो दा हेवी रेनफॉल होबार संभावना रहुचि मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर वर्षा होबार संभावना रहुचि आउ माने अल्प वर्षा होबार संभावना रहुचि माने हेवी रेनफॉल होबार चांस एते नाही किंतु वर्षा मध्ये लागि रहिबो विशेष करि आमे कहिबा कहि परबा आमे नॉर्थ ओडिसा रो जो डिस्ट्रिक्ट कहलि 13 टा डिस्ट्रिक्ट रे एते ऑरेंज वार्निंग इश्यू करै छै एवं हेवी रु भई हेवी रेनफॉल होबार संभावना देखा जाउछ। केते दिन आज यदि कहिबा संध्या रे या वेस्ट बेंगल कोस्ट रे खेपुपुरा निकट रे जतले स्थलभाग अतिक्रम करि जिवो यार प्रभाव आमे कहिबा आसंदा काल ठारु सामान्य कमी जिवो कि हाँ माने बर्तन तो आज 24 घंटा पई त हमें ऑरेंज वार्निंग इश्यू करिछु किंतु पूरा कमिबनी यार इंपैक्ट रहइबो काने बांग्लादेश से ही क्रॉस कला माने नॉर्थ ओडिसा मध्ये एथरे प्रभाव रहइबो एटा वर्षा धीरे धीरे कमिबो जते पर्यंत सिस्टम टोटली एबोलिशन होउछि गतकाल आम भुवनेश्वर जो हठात 4-5 घंटा एत वर्षा देखले कहीं वर्षा है तक थंडरस्टॉर्म रे जो लाइटनिंग आम देखिए घड़घड़ी बिजुली ता देखा मिलता हाँ से जो क्लाउड टा जो भुवनेश्वर उपर रही था बहुत इंटेनसीफाइड क्लाउड था जहाद्वारा कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जहाद्वारा कि बहुत मान देखाईला बहुत गुटा रेन जहाँकि रेकर्ड कर 59.2 मिलीमीटर वर्षा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जहां हमको सूचना दौले वर्षा किभली भाव रही आम आउ विस्तृत जाणीदे आज जिते ऑरेंज अलर्ट जारी कर कारण अवपात वर्तमान सक्रिय रही जो कथा कहते तार प्रभाव में मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर कटक ढेंकानाल केन्दुझर सुंदरगढ़ देवगढ़ संबलपुर सोनपुर बौद्ध और अनुगुल रे भारी वर्षा होबार संभावना रही है। जो कथा कहते कि स्थान में 21 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे से भाव में आज विशेषकर उपकूल ओडिशा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा और कलाहांडी उपकूल ओडिशा समेत पश्चिम ओडिशा किसी जिला गुड़िकर 7-11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हाबा नहीं येलो अलर्ट जारी कर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आज संध्यार यह गभीर अवपात हो जेतेबेले खेपुपड़ा निकटस्थ निकट स्थलभाग अतिक्रम कर धीरे धीरे आम कही उत्तर ओडिशा रे बढ़िबो एवं अन्य स्थान रे सेतिबाय आसंता आमे जदि कहि परबा आसंता काली सकाळ 8:30 सुधा सुंदरगढ़ केउंझर देवगढ़ अनुगुल संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ सोनपुर बौद्ध कंधमाल कलाहांडी बलांगीर एवं नुआपड़ा एही जिल्ला गुड़िक रे प्रबल वर्षा हबा नै ऑरेंज अलर्ट जारी करछि। सेपटे मयूरभंज बालेश्वर ढेंकानाल कटक नयागढ़ एवं नवरंगपुर जिले में येलो अलर्ट जारी कर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सारा राज्य में 2 दिन धरी प्रबल वर्षा हेबो वार्निंग जारी करा जाय छी। धीरे धीरे 3 तारीख आम जदि देखिबा वर्षार परिमाण वर्षार प्रभाव कम रहिबो एवं मयूरभंज केउंझर देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सोनपुर येलो अलर्ट जारी करा जाय छी अर्थात आज एवं आसंता काली 2 दिन गुरुत्वपूर्ण दिन रही छी जेते पर्यंत ओडिशा उपकूल बाम जदि कहि परबा वेस्ट बेंगल कोस्ट को संपूर्ण भावे अवपात अतिक्रम न करि सारी छी ओडिशा उपरे वर्षार प्रभाव रहिबो। गत काली तुलना रे आज उपकूल ओडिशा रे सामान्य वर्षा कम रहिबो किंतु आज दिन 2टा पर्यंत कोहला पाग सांग को कटक भुवनेश्वर विशेष करी कोहला पाग सांग को 1-2 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क करा जाय छी। सेति पई गत काली जो स्थिति देखा मिलला तली अंचल जलबंदी समस्या ट्राफिक समस्या उपजी एवं जो फ्लैश फ्लड ता देखा मिलता राजधानी भुवनेश्वर समेत कटक सहर से आज देखा मिलपा दिन 2टा पर्यंत से आलर्ट कर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सेपटे अवपात संध्या सुधा गभीर अवपात परिणत होगा पर्यंत आसंता का सका 8:30 पर्यंत विभिन्न जिला ऑरेंज आलर्ट जारी कर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। भुवनेश्वर कैमरामैन संजय साहू का निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया। राजधानी भांगी 26 वर्षर रेकर्ड गतकाली जो परिमात्र वर्षा देखा मिलता राजधानी भुवनेश्वर ता 26 वर्षर रेकर्ड भांगी कहा जाउछि कि आज जेतेबेले सुदृश्य लघुचाप अवपात
ତୁଷାରପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଏମ୍ସି ମଧ୍ୟ କହିଛି କି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଟର ପମ୍ପ ସହାୟତାରେ କିପରି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇକି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଯେହେତୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି, ଅବପାତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, ତା'ମାନେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତିନି ତାରିଖ ବେଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ, ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରିସାରିଛି। ତେବେ କଟକର କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଗତକାଲି ସେ ବର୍ଷାରେ କଟକ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ବିତିଲା ପରେ ବି କଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଏ ହେଉଛି ପଟ୍ଟାପୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପଟକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସୂତାହାଟକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଉଭୟ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ଷା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳୁ ଯେଉଁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହନ୍ତି, ପଟ୍ଟାପୋଲ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି କେଶରପୁର କଥା କହିବା, ବାରପଥର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ମକରବାଗ ସାହି ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା, ଯେତେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଭଳି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ କେବଳ ପାଣି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ବା ସିଏମ୍ସିର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜାଇକା ବା ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର କାମ ଚାଲିଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେବଳ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ହିଁ ଦାୟୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। କାରଣ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଉଛି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେ ମଟରର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଠାରୁ। ସାର୍, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା? ଦ୍ୱିପହରୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଗରୁ ପାଣି ରହୁଛି, ଏଥର ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ପୁରା। ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହବ, ସେସବୁ କାମ ହବ, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ତ ପ୍ରିକସନ୍ ମେଜର୍ ନେବେ ନା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁକା, ନା ତାକୁ ଆମେ ନାଳ ସବୁ ସଫା କରିବୁ ଘର ଭିତରେ କାହିଁ ମଟର କାହିଁ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଲୋକାଲ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, କିଛି କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, କିଛି 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 କେହି ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଇପର ଫିପର ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାମ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ତ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେ ମଟର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିଫଳରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଏଇ ପାଣି ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯଦି ପୁଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପୁଣି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ବର୍ଷା ବି ପୁଣି ତ ଅଛି ନା ଆଗକୁ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ସହିତ ଆମେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମାଧାନ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୁଏ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହା ଉପରେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼ ଭଳି ଆହୁରି ହେବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ପାଣି ପଶିଥିଲା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବର୍ଷା ପୁଣି ହୁଏ, ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଷମ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।